भाई साहब सब्सक्राइब करके जाना है यार, है वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, गंदी बात। सब्सक्राइब करके जाना, मेहनत लगती है ना। तो एकदम पहले मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, है ना, फिर से एक बार इसका अर्थ बता करके, फिर ताकि वहाँ रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से देखना, तो पैसेज को पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से पैसेज को समझना। एक बार हालांकि मैंने बता दिया है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको एक बार समझना। तो पहले हम इसका पूरा अर्थ देखेंगे, इसका पूरा मीनिंग देखेंगे हिंदी में, और इस क्वेश्चन का मीनिंग देखेंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, मतलब लड़के गलती कहाँ पे करते हैं पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ। लड़के गलती करते हैं यहाँ पे, ढूंढेंगे भैया मेन क्वालिटी कहाँ पे लिखा है, ये मेन क्वालिटी लिखा हुआ है, ये मेन क्वालिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा आंसर। लेकिन बट इधर से हाँ, आंसर कहीं और से होता है, वो लिख कहीं और से देते हैं, यानी हमें कोई शब्द नहीं ढूंढना। जब हम अनसीन पैसेज करते हैं तो हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं ढूंढना है, हमें पूरा सेंटेंस सेंटेंस पढ़ना है और उसका मीनिंग निकालना है, फिर इसके बाद में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपसे एक एक छोटा सा आंसर चाहता है, वो पूरी किताब का आंसर नहीं चाहता है। कि मान लो यहाँ पर मेन क्वालिटी लिखा है और यहाँ पर भी मेन क्वालिटी लिखा है, सपोज करो यहाँ पर भी मेन क्वालिटी लिखा है, तो आप सुनोगे यार मेन क्वालिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेट, जैसे मान लो कि हमें स्कूल जाना है, तो अपने रास्ते से स्कूल चले जाएंगे। अब हम ऐसे 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 स्कूल नहीं जाएंगे कि भैया पहले यहाँ गए फिर वहाँ, नहीं। हमें हाँ पहले हमें क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन पर सीधे तरीके से चलना है। तो इसका पहले सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, ध्यान से समझना। अनसीन पैसेज, ध्यान से देखना। सरदार पटेल वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन, यानी सरदार पटेल एक कठोर व्यक्ति थे, है ना। पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पीपुल माने लोग, कॉल हिम उन्हें बुलाते थे, द आयरन मैन मतलब लौह पुरुष ऑफ इंडिया मतलब भारत के, यानी लोग उन्हें भारत का लौह पुरुष कह के बुलाते थे या फिर बुलाते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज अनडाउटली, अनडाउटली मतलब निसंदेह, तो वह निसंदेह, एन मतलब एक, इफिशियंट मतलब योग्य, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, यानी वह एक योग्य प्रशासक थे, यानी वह एक निसंदेह योग्य प्रशासक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज काइंड एंड जेंटल, वह दयालु और जेंटल, नम्र थे, क्या थे, नम्र कहो या विनम्र कहो, है ना, एक ही चीज है। तो वह दयालु और विनम्र थे। द मेन क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल वॉज, यानी सरदार पटेल का जो मुख्य गुण था, सेलेक्ट अ प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, सेलेक्ट अ प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, यानी एक उपयुक्त पोस्ट के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव ही सरदार पटेल का मेन गुण था, और ये गुण आपको भी अपने जीवन पर लाना है। देखते हैं क्वेश्चन का हिंदी मतलब देखते हैं, फिर आगे इसका आंसर देखो कैसे दिया जाता है। व्हाट वॉज द मेन क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल का मुख्य गुण क्या था, मैंने बताया सरदार पटेल का मुख्य गुण था कि एक व्यक्ति का सही चुनाव सही पोस्ट के लिए, यही मुख्य गुण था ना। तो हम पहले इसको एक टेंस की तरह हिंदी में इसका मतलब निकालेंगे। हिंदी में सरदार पटेल का मुख्य गुण यह था कि वह एक उपयुक्त पोस्ट के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करते थे, हमने बोल दिया। अब जो हमने इसको करते थे, ता थी ती थी लास्ट में आ गया, यानी कि ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट, हो गया ना। तो अब पास्ट इंडिफिनिट से हम आसानी से बना देंगे, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में उसका मतलब निकालना है, हिंदी में सोचना है और फिर लिखना है। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर मेन क्वालिटी लिखा है, यहाँ पर मेन क्वालिटी लिखा है तो यहाँ से पेल देंगे, ये भाई साहब नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले हमें उसका हिंदी मतलब निकालना है, इसके बाद उसे हमें इंग्लिश में बनाना है। तो सरदार पटेल का मुख्य गुण यह था कि, पहले इतना बना लेते हैं, द मेन क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल वॉच, सरदार पटेल की मेन क्वालिटी यह थी कि मतलब दैट सेलेक्शन, हाँ, ऑफ सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मैन, प्रॉपर
प्रॉपर मैन फॉर द प्रॉपर पोस्ट। ठीक है, तो हमने पहले सरदार पटेल, हिंदी सरदार पटेल का मुख्य गुण यह था कि वो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मैन यानी एक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना फॉर अ प्रॉपर पोस्ट यानी उपयुक्त पोस्ट के लिए, है ना। तो हमें पहले उसको हिंदी में सोचना है। तो जब भी हम अनसीन, लड़के क्या करते हैं अनसीन पैसेज पढ़ते नहीं हैं, वो ये सोच लेते हैं अरे यार मेन क्वालिटी ढूंढो, इधर से वर्ड मिलाओ, इधर से वर्ड मिलाओ, यहाँ से ठोंक दो बस सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें इसी को पढ़ना है। ये आसानी से हमको नंबर दे करके जाता है। हम लोग पढ़ते क्या हैं, दो दो नंबर की चीज़ें पढ़ते हैं। कैसे भैया, दो नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इस ग्रामर को पढ़ो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, इस ग्रामर को पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो, ये करो वो करो। लेकिन जो ये छः नंबर का आता है, और इंटर में तो मुझे लगता है हाँ छः का ही आता है शायद, छः नंबर की चीज़ हम पढ़ते ही नहीं है। हम ये सोच लेते हैं कि ढूंढ लेंगे यार, ढूंढना ही तो है, ढूंढते ही रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें उसको पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में सोचना है, उसको थोड़ा सा भले ही जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना दो तीन बार चार बार, तो हम ऑटोमेटिकली उसको पहले हमें बनाना हम सीख जाएंगे। हमें करना क्या है ये सोच लो, हमें पहले उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग है ना इंग्लिश की अपेक्षा। तो हम लोग पहले उसको हिंदी में बोल देते हैं, फिर उसका इंग्लिश बना देते हैं, ईजी है ना, तो हमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई साहब, द मेन क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल वॉज दैट सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मैन फॉर द प्रॉपर पोस्ट। ठीक है, मजा आया, हाँ उपयुक्त पद। ठीक है भाई साहब, सब्सक्राइब करके जाना है यार, है वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, गंदी बात, सब्सक्राइब करके जाना, मेहनत लगती है ना।